हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द शेड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और कमेंट जरूर कर देना। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ढेर सारी वीडियोस आपका वेट कर रही हैं। तो जल्दी से टाइम ना वेस्ट करते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी की स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक जंगल में डरा हुआ भाग रहा था। तभी एक वैम्पायर ने वहां आकर उसे काट लिया। अब इससे पहले कि वो उसका खून पीता, सूरज निकल आता है जिससे वो जलकर राख हो जाता है। क्योंकि इसे अब वैम्पायर ने काटा था इसलिए ये भी सूरज से जल रहा था। किसी तरह वो अपने आप को बचाते हुए एक शेड में जाकर छुप जाता है। अगले सीन में हम स्टैनली को देखते हैं जिसे उसकी मॉम जगाने आती हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। अब वो नीचे जाकर अपने मॉम डैड के साथ बातें कर रहा था। तभी अचानक उसकी मॉम की हालत खराब होने लगती है और उसके डैड ने भी खुद को शूट कर लिया था। कुछ इस तरह बड़े दुखी तरीके से इसकी फैमिली खत्म हो गई। हालांकि ये बस एक बुरा सपना था, काश मैं ऐसा कह पाता, पर जो दिखाया गया वो सच था, क्योंकि इसके मॉम और डैड जिंदा नहीं है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये बता देता हूँ, उस सपने का मतलब ये था कि पहले इसकी मॉम किसी बीमारी की वजह से मारी गई और उनके मरने के बाद उसके डैड ने भी सुसाइड कर लिया था। अब हम आ जाते हैं स्टैनली पर, जो कि रहता है अपने ग्रैंडफादर के घर में। वो एक रिटायर फौजी होने के कारण काफी स्ट्रिक्ट हैं। वो इसे अच्छे से ट्रीट भी नहीं करते, इसलिए ये भी उन्हें कुछ खास पसंद नहीं करता। रोज की तरह वो स्कूल के लिए निकल जाता है। और दोस्तों, यहाँ हम ये भी देख पाते हैं कि वो शेड इसी के घर के बाहर मौजूद है। अब रास्ते में उसके बुली क्लासमेट्स उसका भटका देते हैं, जिस वजह से वो एक पुलिस ट्रक में जाकर ठुक जाता है। बाहर आकर डेव नाम का शेरिफ उसे समझाता है कि अगली बार तुम्हें कोई छूट नहीं मिलेगी, अगर पकड़े गए तो सीधा जेल में जाओगे। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वहां से निकल जाता है। इधर हम स्कूल में देखते हैं कि वही तीनों लड़के स्टैनली के फ्रेंड डॉमर को बुली कर रहे थे। अब यहाँ स्टैनली उसे आकर बचा लेता है, और ये पहली बार नहीं है, ये तो इनका रोज का काम है। उनके बीच लड़ाई हो जाती है, लेकिन सही टाइम पर आकर टीचर ने उन्हें रोक दिया। इसी स्कूल में एक रॉक्सी नाम की लड़की पढ़ती है जो पहले स्टैनली और डॉमर के साथ थी, लेकिन बाद में इन्हें डिच करके वो मार्वल के साथ हो गई, जो कि उन बुलीज का लीडर है। फिलहाल वो उसी के साथ है, जबकि वो उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता। अब हम आगे देखते हैं जहाँ स्टैनली और डॉमर एक जगह पर बैठे होते हैं, और यहाँ डॉमर रॉक्सी को लेकर मजाक करने लगता है। ये सब स्टैनली को पसंद नहीं आता, इसलिए वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है। घर आकर स्टैनली उसी के बारे में सोच रहा था, तभी उसके ग्रैंडफादर ने उसे बुला लिया ताकि वो उससे लॉन की घास कटवा सकें। अब वो अपने डॉग को बाहर बांध रहा था, पर उसके डॉग का बर्ताव अचानक बदल जाता है। उसका डॉग बार बार भौंक रहा था उसी शेड को देखकर। अब स्टैनली अंदर चेक करने जाता है, तभी उसे एक इंसानी दांत मिलता है जो कि उसी वैम्पायर का था, क्योंकि अब वो पूरी तरह वैम्पायर में बदल गया। अचानक वो स्टैनली पर हमला कर देता है, लेकिन धूप की वजह से स्टैनली किसी तरह बचकर बाहर आ जाता है। अब स्टैनली उससे कहता है कि बाहर निकल आओ, वरना मैं तुम्हारे ऊपर अपना डॉग छोड़ दूंगा। काफी देर तक शेड से कोई बाहर नहीं आता। तब स्टैनली डॉग को छोड़ देता है और डॉग भी भागकर अंदर चला जाता है। अब वो अंदर चला तो गया, लेकिन बाहर आता है सिर्फ उसका सर, जिसे देखकर स्टैनली काफी बुरी तरह से डर जाता है। इसके बाद वो घर में जाता है हथियार लेने। तभी उसका ग्रैंडफादर उसे रोककर अपने डॉग के बारे में पूछता है। इस पर वो सब कुछ बता देता है, लेकिन उसके ग्रैंडफादर को उस पर भरोसा नहीं हो रहा था। जिसके बाद वो बाहर आते हैं चेक करने, और वो देखते हैं कि उनके डॉग का सर कटा हुआ बाहर पड़ा था, जिससे वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब स्टैनली के लाख मना करने पर भी उसके ग्रैंडफादर गुस्से में उस शेड में चले जाते हैं, लेकिन उनके साथ भी वही होता है जो हुआ था इनके डॉग के साथ। अब स्टैनली उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वैम्पायर ने उन्हें पूरी तरह अंदर खींच लिया, और इस तरह वैम्पायर का दिन बन गया, एक दादा और उसके डॉग को हजम करके। अब स्टैनली पूरे शेड को सील कर देता है, क्योंकि फिलहाल उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पुलिस को वो बता नहीं सकता, क्योंकि वो उल्टा उसे ही जेल में डाल देंगे। ऐसे ही अब रात हो जाती है, वो सोने की कोशिश करता है, तभी कोई उसके रूम का दरवाजा खोलने लग जाता है, लेकिन खोल नहीं पाता क्योंकि वो लॉक होता है। अब वैम्पायर उसे बुला रहा था, और वो भी सम्मोहित होकर शेड तक पहुंच गया। जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है, वैम्पायर उस पे झपट जाता है, और तभी स्टैनली जाग गया, क्योंकि ये बस एक बुरा सपना था। अगले दिन स्कूल में भी वो इस बारे में सोच रहा था, तभी रॉक्सी वहां से गुजर रही थी। उसे अकेला देखकर वो उसके पास आ जाती है। वो यहाँ स्टैनली से बातें करती है, जिससे उन्हें पुराने दिन याद आ जाते हैं, लेकिन नए दिन याद दिलाने वहां
वहाँ पर मार्बल आ जाता है जो उसे चिढ़ाकर वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि उसके मुताबिक वो एक लूजर के साथ बैठी है। उसके जाने के बाद ये दोबारा बात करने लगते हैं और इस बार बात आगे बढ़ ही रही थी कि तभी वहाँ पर डॉमर आ जाता है, जिसे देखकर रॉक्सी भी वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही स्टैनली भी। यहाँ वो डॉमर से दोबारा गुस्सा हो गया था क्योंकि इसकी वजह से इनकी सेटिंग नहीं हो पाई, साथ ही वो रॉक्सी को शेड के बारे में भी नहीं बता पाया। यहाँ वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, लेकिन डॉमर की यहाँ पर भी किस्मत खराब होती है क्योंकि उसे रास्ते में मार्बल और उसके दोस्त मिल जाते हैं, जिन्होंने मिलकर डॉमर की बत्ती गुल कर दी, यानी कि उसे बहुत मारा। अब यहाँ स्टैनली बेसबॉल बैट लेकर उस वैम्पायर को मारने के लिए शेड के पास जाता है। वो हिम्मत जुटा रहा था तभी दरवाजा तोड़कर वैम्पायर उसे पकड़ लेता है, लेकिन धूप की वजह से फिर से एक बार उसकी जान बच जाती है। यहाँ हम ये तो समझ गए कि वैम्पायर धूप की वजह से बाहर नहीं आ सकता। तभी डॉमर वहाँ आ जाता है और उसका ऐसा हाल देखकर स्टैनली सब समझ जाता है। यहाँ स्टैनली भी डॉमर को सब बता देता है कि उसके शेड में एक वैम्पायर है और उसने उसके डॉग और दादाजी को मार डाला, जिसे सुनने के बाद डॉमर को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। डॉमर उसे देखना चाहता था इसलिए वो खुद ही चेक करने उस शेड की तरफ जाने लगता है, लेकिन उस वैम्पायर की शक्ल देखते ही उसे पूरी तरह भरोसा हो जाता है, साथ ही वो काफी डर भी जाता है। इसके बाद दोनों मिलकर उस होल को सील कर देते हैं। यहाँ स्टैनली को डर होता है कि कहीं डॉमर किसी को इस बारे में बता ना दे, पर डॉमर उसे पूरा भरोसा दिलाकर वहां से चला जाता है। अब रात हो जाती है और स्टैनली एक मूवी देख रहा था जिससे उसे वैम्पायर को मारने के तरीके पता चल सके, और उसे यहाँ पर तीन तरीके पता चलते हैं। एक है सनलाइट, जिससे वैम्पायर जलकर राख हो जाएगा, दूसरा है उसके दिल को खत्म करना, और तीसरा है उसके सर को धड़ से अलग करना। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सही तरीका क्या होना चाहिए? जल्दी से कमेंट करके बता दो, कमेंट सेक्शन एकदम खुला है। बिना देर किए अपना कमेंट पिन कर दो, और याद रहे जिसका आंसर सही होगा उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पिन करेंगे। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ वो टीवी देखते देखते सो जाता है, तभी उसके पास लगे हुए पोस्टर से एक लड़की बाहर आती है जो उसके साथ रोमांस करने लगती है, और वो कोई और नहीं बल्कि रॉक्सी होती है। स्टैनली हैरान होता है, तभी वो उसी वैम्पायर में बदल जाती है, साथ ही उसे कार्ड भी लेती है, और ये भी बस एक बुरा सपना था। अब वो बाहर जाने के लिए अपना जूता ढूंढ रहा था, तभी वो बेड के नीचे देखता है जहाँ वो वैम्पायर छुपा था, और ये भी बस एक बुरा सपना था। अब जाकर फाइनली ये जाग गया, और डर की वजह से ये एक चाकू लेकर सोया हुआ था जो कि इसी के फेस पर गलती से लग जाता है। इसके बाद वो एक ड्रिल मशीन लेकर शेड की छत में काफी सारे छेद कर रहा था ताकि सनलाइट से वो वैम्पायर जलकर मर जाए, लेकिन उसे खत्म करने से पहले वो घर में जाता है और तभी अचानक वहाँ शेरिफ आ जाती है उसके ग्रैंडफादर को ढूंढते हुए। वो स्टैनली से उसके ग्रैंडफादर के बारे में पूछती है। स्टैनली कहता है कि वो घर पर नहीं है, पर शेरिफ ने पहले से ही उनकी कार देख ली थी, जिससे उसे स्टैनली पर शक हो जाता है। अब वो उससे बेन फैमिली के बारे में पूछती है। उस फैमिली के रैबिट्स को कोई मार रहा था और उसी का पता लगाने के लिए उस फैमिली का हेड जो बेन जंगल में गया था, लेकिन वो अब तक वापस नहीं आया। दोस्तों, जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था वो जो बेन था, जो कि अब एक वैम्पायर बन चुका है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि 2 महीने पहले इसके ग्रैंडफादर का उससे झगड़ा हुआ था, इसलिए शेरिफ पूछताछ करने के लिए यहाँ पर आई है। अब स्टैनली ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा था क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट हो रहा था। तब शेरिफ उसे लिफ्ट ऑफर करती है और उसे मजबूरन उसके साथ जाना पड़ता है। स्कूल में जाते ही स्टैनली को रॉक्सी मिलती है जो कि उसके बुरे हाल होने की वजह पूछ रही थी। तभी मार्बल वहां आकर रॉक्सी को छेड़ देता है। ये सब स्टैनली से बर्दाश्त नहीं होता, वो सीधा ही उससे लड़ाई कर उसका मुंह तोड़ देता है, और मार्बल यहां कुछ भी नहीं कर पाता। स्टैनली अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल रहा था और वो तो उसे मार ही देता अगर टीचर बीच में ना आता। टीचर यहां पहले से ही स्टैनली के बर्ताव से परेशान था, इसलिए आज ये उसके ग्रैंडफादर से मीटिंग करके ही रहेगा, जो कि इसका फोन नहीं उठा रहे हैं, इसलिए उन्हें शेरिफ लाने गई है जो कि इस टीचर को बाहर ही मिल गई थी। ये सुनते ही स्टैनली के होश उड़ गए थे, क्योंकि अगर वो शेड तक पहुंच गई तो आगे क्या होगा वो आप जानते ही हो। स्टैनली बिना रुके घर के लिए निकल जाता है और उसके पीछे मार्बल भी। शॉर्टकट्स लेकर वो अपने घर जा रहा था, लेकिन फिर भी वो लेट हो जाता है। किसी ने दरवाजा नहीं खोला, इसलिए शेरिफ शेड के पास पहुंच गई और उसे सील देखकर वो समझ गई कि अंदर कोई तो बंद है। तभी स्टैनली वहां पर पहुंच जाता है। उसके आते ही शेरिफ ने उस पर गन पॉइंट कर दी, क्योंकि फिलहाल तो प्राइम सस्पेक्ट स्टैनली है। वो शेरिफ को समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती और चेक करने अंदर जाने लगती है। दरवाजा खोलते ही वैम्पायर ने उसके गले पर काट लिया और जिस हाथ में गन थी वो हाथ भी उसने उखाड़ दिया। शेरिफ को वो अंदर खींच लेता है और बाहर रह जाता है उसका हाथ। और दोस्तों, शेरिफ का था बस यहीं तक साथ। अब स्टैनली कुछ सोच पाता तभी वहां मार्बल आ जाता है, जिस पर स्टैनली उसे समझाने की काफी कोशिश करता है, पर वो लगातार स्टैनली को पीट रहा था। तभी वहां डॉमर आ जाता है जो शेरिफ की गन उठा लेता है
है, जिसे देखकर मार्बल और स्टैनली शांत हो गए। माना कि वो कमजोर है, लेकिन पागलपन में वो मार्बल और स्टैनली का भी बाप है। स्टैनली डोमर को रोक रहा था, पर वो उसकी एक नहीं सुनता। सालों से हो रहे अत्याचार का बदला उसे चाहिए, सबका बदला लेगा रे तेरा डोमर। खैर, ये डायलॉग चिपकाने के बाद वो मार्बल को जबरदस्ती शेड में जाने के लिए कह रहा था, जिस पर फिर से स्टैनली उसे मना कर रहा था, लेकिन इसकी तो कोई सुन ही नहीं रहा था। भला इतना अच्छा मौका होने के बाद डोमर इसकी बातें कैसे सुन लेगा? उसे ना तो खून का डर है ना सोसाइटी का, उसे सिर्फ बदला चाहिए जो कि वो लेकर रहेगा। अब मजबूरन मार्बल को अंदर जाना पड़ता है, लेकिन जाते हुए उसे शेरिफ का कटा हुआ हाथ दिख जाता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। ना चाहते हुए भी वो अंदर चला जाता है, और उसके जाते ही वैम्पायर ने उसे भी बुरी तरह मार दिया। ये देखकर स्टैनली बेकाबू होकर डोमर से भिड़ जाता है, क्योंकि उसने एक निर्दोष की जान ली है। डोमर उसे गन से मारकर बेहोश कर देता है। अब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने रॉक्सी को देखता है, लेकिन डोमर वहां नहीं होता। अब रॉक्सी भी कटा हुआ हाथ देख लेती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। साथ ही उसके मन में भी कई सवाल आने लगते हैं। स्टैनली एक हथियार लेकर शेड के अंदर जाता है, जहां उसे मार्बल की लाश मिलती है, जिसका डोमर खून पी रहा था, क्योंकि अब वो भी एक वैम्पायर बन गया है। यहाँ स्टैनली उससे जो बेन के बारे में पूछता है, वो कहता है कि फिलहाल तो वो चला गया, लेकिन वो तुमसे बदला लेने जरूर वापस आएगा। इसी बीच रॉक्सी भी अंदर आ जाती है, इसलिए डोमर उस पर हमला कर देता है। तभी स्टैनली एक लकड़ी उसके पेट में घुसा देता है, साथ ही उसे सनलाइट से भी जला देता है, जिसे देखकर लगता है कि वो मर गया। बाहर आकर वो रॉक्सी को संभाल रहा था, तभी डोमर भी बाहर आ जाता है और तड़पने लगता है। सनलाइट उसे जला रही थी, ये देखकर स्टैनली उसे ढक देता है ताकि वो बच जाए, लेकिन तब तक वो दम तोड़ चुका था। पर अभी मेन प्रॉब्लम बाकी है, जो बेन, जैसा कि डोमर ने बोला था कि वो तुमसे बदला लेने वापस जरूर आएगा, उसका सामना करने के लिए वो तैयार होने लगते हैं। घर को पूरी तरह से सील कर साथ ही नुकीले वुडन स्ट्रैक्स भी बना लिए और दोनों कारों को भी ठिकाने लगा दिया ताकि किसी को शक ना हो। इसी तरह शाम हो जाती है। अब स्टैनली रॉक्सी को घर जाने के लिए कह रहा था, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो उसे खोना नहीं चाहता, लेकिन रॉक्सी जाने से मना कर देती है और वहीं रुक जाती है। रात हो गई थी और दोनों पूरी तरह उसका सामना करने के लिए तैयार थे, लेकिन तभी वहां मार्बल के दोनों दोस्त पिट और ऑगी आ जाते हैं, जिनकी वजह से इनका बना बनाया काम बिगड़ जाता है। वो उन्हें काफी समझाते हैं और वापस जाने को बोलते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी सुनने को तैयार नहीं होता। इसी बीच वैम्पायर वहां आ जाता है, वो उनकी तरफ बढ़ रहा था, जिसे ऑगी भी देख लेता है। वो पिट को समझाता है पर वो ध्यान नहीं देता, जिसके बाद ऑगी खुद ही भागने का ट्राई करता है, लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी। एक ही झटके में वैम्पायर ने उसका सारा खून पी लिया। अब कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो दरवाजा खोलकर पिट को अंदर ले लेते हैं। वैम्पायर ऊपर घूम रहा था, इसलिए अब इन्हें ऊपर ही जाना होगा उसे मारने के लिए। ऊपर तीन रूम होते हैं, तीनों हथियार लेकर अलग अलग हो गए, जो कि हॉरर मूवीज में अक्सर होता ही है, और यहाँ वैम्पायर का काम भी और आसान हो गया। अब ऑगी भी वैम्पायर बन गया था, इसलिए वो पिट को वैम्पायर बना देता है। इधर रॉक्सी कमरे में बैठकर फोटोज देखने में बिजी हो गई थी, तभी वैम्पायर ने बड़े आराम से उसे किडनैप कर लिया। उसकी आवाज सुनकर स्टैनली उसकी तरफ भागता है, लेकिन बीच में पिट और ऑगी आ जाते हैं, जिस पर वो खुद को एक रूम में लॉक कर लेता है, साथ ही गन को लोड करने लगता है, और वो दोनों अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। इसका फायदा उठाकर स्टैनली ने एक ही बुलेट से एक का सर ब्लास्ट और दूसरे का दिल ब्लास्ट कर दिया, और इस तरह से ये दोनों भी मारे गए। इधर वैम्पायर रॉक्सी को काटने ही वाला था, लेकिन सही टाइम पर स्टैनली वहां आ जाता है और वैम्पायर पर शॉटगन तान देता है, लेकिन वो हद से ज्यादा फास्ट होता है। एक सेकंड में वो उससे शॉटगन छीन कर दूर फेंक देता है, जिस पर स्टैनली एक कुल्हाड़ी को उसके कंधे में घुसा देता है, लेकिन इससे भी उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अब वो स्टैनली को हवा में उठा लेता है, तब बीच में रॉक्सी आ जाती है। तभी स्टैनली को दूर फेंक कर वो वापस रॉक्सी के पास आ जाता है, जो कि उसे शॉटगन से शूट करती है, लेकिन इससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी जान बचाने के लिए स्टैनली एक चाकू वैम्पायर की तरफ फेंकता है, जो कि लग जाता है रॉक्सी को, क्योंकि वैम्पायर सुपर फास्ट होता है। कॉमेडी कर गए स्टैनली भैया। खैर, यहां वो आखिरी बार स्टैनली को पकड़ता है उसका खेल पूरी तरह से खत्म करने के लिए, लेकिन मौके का फायदा उठाकर रॉक्सी उसका सर धड़ से अलग कर देती है, और यहाँ फाइनली वो वैम्पायर मारा जाता है। इसके बाद वो सभी वैम्पायर्स को बॉडीज और शेड के साथ जला देते हैं। अब ये शांति से एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे एक दूसरे के साथ, और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, और साथ ही आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।